Experience for me because I'm with Indian people and I really like this, and I really like the moment that I share with you, so thank you very much for this, and I hope we will have a lot more experience all together. Thank you. Okay. Done? Baria. ओके थैंक यू वो गर्जना की पर होनी आप भी आ गए हो दो ज्यादा बोल रहे हैं आ गए सर फिर मैं उठो उठो ये आप नेवी से या डिफेंस में तो हो लेकिन नेवी में हम लोग बहुत कम देखते हैं यहाँ के बंदे तो हिमाचल से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज ट्राई करो आप इसका कंट्री को आपकी सच में जरूरत है खास करके नेवी को तो आप प्लीज फॉरवर्ड हो इसमें और ज्यादा से ज्यादा लोग ट्राई करो कि वहां पर भी आ सके तो मैं पहले एक शेर बोलूंगा उसके बाद एक मराठी पोयम जो जिनको समझ में आए ठीक है ना आए तो एडजस्ट कर लेना रिकॉर्ड कर लो आगे इसलिए कर लेना फूलों के डाली को देखकर कलम बना देते
फूलों के डाली को देखकर कलम बना देते, आपके हंसी चेहरों के देख चेहरे को देखकर गजल बना देते, फूलों के डाली को देखकर कलम बना देते, आपके हंसी चेहरों को देखकर गजल बना देते। कमबख्त मरता नहीं कोई इन पहाड़ों पे, वरना हम इन पहाड़ों पे भी ताजमहल बनवा देते। तो इसके बाद मैं एक पोएम बोलने जा रहा हूँ, जो प्रेम कविता है, जो मराठी में सौमित्रा ने बोली थी, और बारिश और पहाड़ों की नज़दीकी की पोएम है। तो जिनको समझ में आए थोड़ा कर लेना एडजस्ट, ट्रांसलेट करूँगा बाद में। ये पोएम एक्चुअली दो लोगों के बीच है। एक लड़की है जिसकी शादी हुई है किसी और के साथ, और उसका प्रेमी कोई और था। सुनो सुनो, अरे सुनो यार, सुनो सुन लो यार। तो सुनो, होता अरे सुनो नहीं, पोएम बहुत नहीं, अरे सुनो यार, पोएम बहुत अच्छी है। तो वो उसकी लाइफ में बिल्कुल सेट है, लेकिन ये कभी बारिश के मौसम में उसकी याद निकालता है, और याद में उसने ये पोएम बोली है, तो मैं बोलने जा रहा हूँ अभी। मुसळधार पाऊस खिड़की तो भिरावून पा, बघ माझी आठवण येते का। मुसळधार पाऊस खिड़की तो भिरावून पा, बघ माझी आठवण येते का। हात लांबव तळहातांवर झेल पावसाचं पाणी, इवलंस तळ पिऊन टाक, बघ माझी आठवण येते का। वाऱ्याने उडणारे पावसाचे थेंब चेहऱ्यावर घे, टोळे मिटून घे तल्लीन हो। नाहीच जाणवलं काही तर बाहेर पड, समुद्रावर ये, तो उधाणलेला असेलच पाण्यात पाय बुडून उभी राहा, वाळू सरकेल पाया खालून, बघ माझी आठवण येते का। यानंतर चालू लाग, यानंतर चालू लाग पाऊस थांबेपर्यंत तू थांबणार नाहीच, शेवटी घरी ये, साडी बदलू नकोस, केस पुसू नकोस, पुन्हा त्याच खिडकी ते, आता नवऱ्याची वाट बघ, बघ माझी आठवण येते का। त्यानंतर दारावरती बेल वाजेल, दारुगड नवरा असेल, दारावरती बेल वाजेल, दारुगड नवरा असेल, तो विचारेल तुझ्या भिजण्याचं कारण, तू सांग घर गळतंय। त्यानंतर चहा कर तूही घे, तो उठून पंकज उदास लावेल, तो तू बंद कर किशोरीचं सहेलारे लाव, बघ माझी आठवण येते का। मग रात्र होईल तो तुला कुशीत घेईल, म्हणेल तू मला आवडतेस, मग रात्र होईल तो तुला कुशीत घेईल, म्हणेल तू मला आवडतेस, पण तूही तसंच म्हण। विजांचा कडकडाट होईल, ढगांचा गडगडाट होईल, तो त्या कुशीवर वरळ त्याच्या पाठमोऱ्या शरीराकडे बघ, बघ माझी आठवण येते का। यानंतर सताट डोळ्यांनी छप्पर पाहायला विसरू नकोस, उशीखाली सुरी घे, झोपी जाण्याचा प्रयत्न कर, येत्या पावसाळ्यात एक दिवस तरी बघ माझी आठवण येते का, बघ माझी आठवण येते का। सही आहे यार, ऐकलो बारिश को महसूस कर लो, देखो आपके आपको मेरी याद आ रही है क्या। बारिश की बूंदे हाथ हाथ फैलाओ, बारिश की बूंदे आपके हाथ पे गिर रही है, और वो जो बोल रहे कि वो इतना सा है लेकिन वो तालाब है, वो आप पी लो, देखो उससे मेरी याद आ रही है क्या। उससे भी कुछ नहीं होता है तो आप घर से बाहर निकलो, समुंदर के पास आ जाओ, उसके पानी में पैर डुबा के खड़ी हो जाओ, जब वो लाटे आती है तो उससे आप पैरों के नीचे से जो रेती होती है वो खिसक जाएगी, उसको महसूस करके देख लो मेरी याद आती है क्या। उसके बाद वो बोलते हैं कि आप जब वहाँ से घर आओगे, आपका पति आएगा, दरवाजे पे बेल मारेगा, आप दरवाज़ा खोल दो, वो पूछेगा कि आप गीली कैसी हो गई, तो आप उसको ये जवाब देना कि घर गीला है पूरा, मतलब घर से पानी टपक रहा है ऊपर से, इसके लिए मैं गीली हो गई। उसके बाद वो बोलेगा कि चाय बनाओ, चाय बनाओ। उसके बाद जब वो चाय बनाने के लिए जाएगी तो वो रेडियो पे, आकाशवाणी पे पंकज उदास का कुछ गज़ल लगाएगा, लेकिन वो बोलता है कि तू वो बंद कर दे, और किशोरों का कोई ऐसा प्रेम सॉन्ग लगा दे, वो महसूस करके देख लो मेरी याद आती है क्या। उसके बाद रात हो जाएगी, वो आपको बोलेगा कि मैं आपको बहुत पसंद करूँगा, आपके मन में नहीं होगा लेकिन आपको वैसा ही बोलना है, वो महसूस करके देख लो, तो उस वक्त मेरी याद आती है क्या। और ये सब होने के बाद आप जब सोने जाती हो, सोती हो, तब भी बाहर की बूंदों को महसूस कर लो, फिर एक बार देख लो मेरी याद आती है क्या। मेरा नाम दिनेश कटोच, बड़ाग्रा से हूँ, क्योंकि बड़ाग्रा की स्ट्रेंथ यहाँ पे ज़्यादा है, 15 स्टूडेंट आए हैं जो कि बड़ाग्रा से आए हैं। तो मैंने एक जब मैं पढ़ाई कर रहा था ऋषिकेश में, 2 साल मैंने वहाँ पे योग की पढ़ाई की, तो उस समय घर की याद आ रही थी, तो सोचा मैं कुछ लिखूँ या कुछ करूँ। रात को 2 बजे बैठ के मैंने ये कविता लिखी, मतलब अपने गाँव के ऊपर, मैं यही सुनाऊंगा आपको, हिंदी में है।
समझ आ जाएगी सबको अपने गांव पे। और जो हमारा कुल्लू का कल्चर रहता है ये मैक्सिमम मैंने उसमें बताया था, मतलब कि हम क्या क्या करते हैं, जो साल के जो हमारे मेले रहते हैं या त्यौहार रहते हैं उसको मैंने बताया था, और जो हमारा कल्चर है उसको मैंने सब कुछ उसमें डाला था। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। चारों कोनों में देवी देवताओं का स्थान, काली जमलू बीरनाथ सिंहासनी है नाम। बागवानी कृषि मुख्य है काम, परंतु पर्यटन का भी है उसके बाद नाम। वो बसंत की हरियाली और गर्मी में सूरज की लाली, सर्दी के मौसम में चाय की प्याली, यहाँ सभी ऋतुओं की बात है निराली। फूलों की बहार, झरनों की झरझरार, बर्फ में ठंडक की मार, यहीं पर है जीवन जीने का मजा यार। देवदार चीड़ और बांध की छाया, पलम नाशपति और सेब का सीजन है आया। गेहूं मक्की और धान की रोपाई, सिंचाई के लिए कुल थुमर देवता ने हलाई। मैदान जिसको हम सौ कहते हैं लोकल लैंग्वेज में सौ, तो सोहा में वो खेलना और शाम को माँ और दादी के गुस्से को झेलना, क्योंकि हमारे वहाँ पे ऐसा होता है कि जब हम एक बार खेलने चले जाते हैं तो शाम को 9-9 बजे तक 10 बजे तक आते ही नहीं रहे। तो उसके बाद जाम पड़े हैं अपने स्कूल उनके, उसके बारे में वो बताए। 15 मील और कटराई की पढ़ाई बहुतों की समझ में ना आई। काटकुनी शैली के बने हैं मकान, जो है यहाँ की शान। जो आपने हमारे घर देखेंगे जो कि साल 200 साल पुराने रहते हैं, जो कि गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म रहते हैं। टोपी चोला कलगी और पट्टू यहाँ है मुख्य लाण, जो पहनावा है यहाँ का। टोपी चोला कलगी और पट्टू है मुख्य लाण, जो है यहाँ की आन बान और शान। वॉलीबॉल कबड्डी क्रिकेट यह मुख्य खेल, इनमें होती है कभी जीत कभी हार। फागुन की फागली, जो यहाँ पे हमारे लोकल महीने पोष माघ फागुन जो रहते हैं उसके अनुसार हमारे त्यौहार रहते हैं। फागुन की फागली, बैसाख का बिरशु, श्रावण का मेला और पोष की दियाली मुख्य है त्यौहार। थैंक यू। Yeah.
हाँ सर तू क्या उधर ले उधर सर जी सुशील भाई ये भाई तो देख क्या भाई साहब प्लास्टर कोई पावर बैंक लेके आया साथ में आया कोई क्या होता है थोड़ा क्लोज है ये ना मधे थोड़ा मधे विशाल शिवाजी महाराज की आपको खाली मेरा मैं जब लास्ट में बोलूंगा छत्रपति शिवाजी महाराज की आपको खाली जय बोलना है मजाक नहीं है कदम 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 महाराज गणपति भूपति प्रजापते सुवर्ण रत्न श्रेपते अष्टावधान जागृत अष्ट प्रधान वेष्टित न्यायालंकार मंडित शस्त्रस्त्र शास्त्र पारंगत राजनीति दुरंधर प्रौढ़ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतंस सिंहासनाधीश्वर छत्रपति शिवाजी महाराज के जय छत्रपति शिवाजी महाराज के जय छत्रपति शिवाजी महाराज के जय शास्त्र पंडित मुगल संहारक सर्जा रण धुरंधर शिवपुत्र धर्मवीर संभाजी महाराज की जय धर्मवीर संभाजी महाराज की जय धर्मवीर संभाजी महाराज की जय नमो पार्वती पते हर हर जय वंदे मातरम वंदे मातरम जय श्री